वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मंदिर से हम लोग जाएंगे अभी पिकनिक, फ्रेश होकर मैं रेडी हो गया जाने के लिए। अभी पहुंचने वाले हैं, बस देखो कितना सुंदर लग रहा है व्यू। वाओ जय गुरु। अमृत है। तो चलो क्लोज से दिखाते हैं आप लोगों को। फ्लड के समय ये सब जगह पे पूरा भिड़ती हो जाती है, इसमें रहता है ना। बहुत दिन बाद में आई हुई हूँ, पता है रिक से मैं नहीं जा रही। मम्मी की फेस देखो, मैं इस तरफ जा रही हूँ बोल के मम्मी की फेस देखो। दिखा दो आपका फेस, आपको फेस दिखा दो। टेंशन पे टेंशन, मैं जब भी सेट में आते वही दिन। ऑलमोस्ट आधा मतलब रिफंड हो गया है तेरा, हुआ ऐसे मथुरी टच करो ओटा देखो, भांगते भांगते देखो ना इनिस्टा कत चौड़ा है नहीं ऐसे और ओटा आधा भंगा और सारा चला गया। कुछ दिन पहले दिखाया था ना वही। डैड के आगे जीत है यातु जगह पूरा रिक्स जाबिनारी बाबा रे बाबा कथा गुली कैन सुनता रसना रे तू माटी हम लोग कह रहे थे इधर फोटोशूट रील्स हम लोग चले जाएंगे क्योंकि बहुत दूर में है और इधर उतना अच्छा नहीं है ना, रील्स हो जाएगा। हम्बा हाय उमर देखे देखे हाय देखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है। जो जो है नदी के साइड पे सब लोग आ जाओ, चलो। हम लोग पिकनिक बोलते हैं लेकिन ये असली में पिकनिक नहीं है ना, ईयरली जो एक उत्सव होता है वही बनभोज। मैं तो सेल्फी में नहीं, मम्मी को मैं ऐसे बोल रही हूँ। बहुत हार्ड। अरे बाबा भांगा पड़ता से, चलो चलो देखो भाई
ওমা ওমা গো না কি রে কেউ মারে নাই কিন্তু হ্যাঁ মাছ নাকি কি জানি কোন হয় এদিকে মাছ অনেক উঠতো কারেন কই দিব কারেন সব মাটি ভঙ্গা পড়তাছে একটু রক্ষা করব চলো জয় গুরু কে নাম ল আচ্ছা ঘর 3 বাজে হাম্মা বাই 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 দেখো আচ্ছা তখন ইটা লাগছে হাতে হাতে মানু কি রাতনে কি তোমার হাত তুলে গাঠো মেরা কাটা তোমার তো হাত আছে দাও কি আলো খাওয়া লাগবে বাগানে তো গিয়ে ঠান্ডা আছে কোন ঠান্ডা লাগছে না তুমি দাও না এখন লাগে না না तो मेरी घर से लगभग 30 मिनट्स का रास्ता था और आने के समय मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बहुत ही धीरे से चला के आए समय और लिटरली मुझे अभी खिचड़ी खाने की मन कर रही है। खिचड़ी इतना ज्यादा टेस्टी बनना था जस्ट मुझे अभी सच में खाने की मन कर रही है। मैं मम्मी को वही बोल रही हूँ कि लेके आने से अच्छा था खिचड़ी, सच में लेके आ सकते थे। हम लोगों ने देखा ये वीडियो पे गर्मा गर्म खिचड़ी, वो भी डालिया का खिचड़ी था, पसंद है। मम्मी भी बनाती है घर पे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, सही बनाने से ना बहुत ही अच्छा बनता है। और डालिया का खिचड़ी साथ में था चटनी, इमेजिन करती मुझे खाने की मन कर रही हूँ। सो आज के ब्लॉग में इधर ही एंड कर रही हूँ। ब्लॉग पसंद आने से लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप अगर मुझे फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो चैनल को कर देना है आपको सब्सक्राइब, और साथ में जो घंटी दिख रहे हैं जैसे मम्मी बजा रही है अभी, वैसे आपको भी बजाना है, और अभी बज रहे हैं शाम को। सो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।